राधे राधे राजकुमार, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? शुक्र जो है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो समझ जाइए कि आपके शुक्र जो है वो अच्छे हैं। आपके पति पत्नी के कारक भोग विलास के कारक, विलासिता के और लग्जरी के कारक होते हैं शुक्रदेव। ऐसे शुक्रदेव के मैं आपको 5 महा उपाय बताने जा रही हूँ। वो उपाय आप अगर कर लेते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली में कहीं पर भी खराब बैठे हो, किसी पोजिशन में, चाहे वो 6ठे में हो, चाहे वो 8वें में हो, चाहे वो 9वें घर में हो, आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपके जीवन में ये खराबी जो है वो नहीं कर पाएंगे। या कहीं पर भी आपके खराब हो रहे हैं, राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ में खराब हो रहे हैं तो वो खराबी आपको नहीं दे पाएंगे, चाहे वो सूर्य के साथ ही क्यों ना बैठे। शुक्र के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको क्या करना है कि आपने एक आटे की लोई बनानी है। आटे की लोई के अंदर बताशा रखना है, छुपा देना है बताशे को और उसे गाय को खिला के आना है। ऐसा 11 शुक्रवार कर लीजिए, आपके जीवन से शुक्र से संबंधित लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय, गाय को आपने हरा चारा अपने वजन के बराबर, वजन से 10वां हिस्सा एक्स्ट्रा आपको जो है लेना है और वो गाय को जरूर खिलाना है। शुक्रवार के शुक्रवार या बुधवार के बुधवार आप खिलाना चाहिए आपको। ये 11 शुक्रवार कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा शुक्र का उपाय, मखाने की माला आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा कर आइए। इससे आपके जीवन में जो चमत्कार आएगा, वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, लग्जरी, विलासिता सब आपके जीवन में आती रहेगी। चौथा महा उपाय, आपने क्या करना है शुक्र के लिए, आपने जो है गाय को आपने ज्वार खिलानी है। ज्वार, सफेद ज्वार होती है, वो गाय को खिलाएं या फिर आप पक्षियों को खिलाएं, इससे भी आपका शुक्र जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। पांचवा और बेहद खास उपाय, जब आप कौओं को पनीर खिलाते हैं, कौओं को पनीर 100 रुपए का पनीर, 50 रुपए का पनीर, 200 का, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, या इतना सारे 10 रुपए का पनीर ले लीजिए, वो आप गाय वो कौओं को खिलाते हैं तो इससे आपके शुक्र और शनि मिलते हैं और उससे केतु आपके उच्च हो जाते हैं और केतु ऐसा झंडा फहराता है आपका, आपका ब्रांड जो है बनने लग जाता है, आपकी जो मान इज्जत खोई भी प्रतिष्ठा है वो आपकी वापस आने लग जाती है। और शुक्र आपको जो है, आपको बताइए कि शुक्र राहु और केतु के मिलने से शुक्र बना है, मसनूही शुक्र के राहु और केतु हैं। जब राहु केतु ठीक हो जाते हैं तो शुक्र अपने आप अच्छा हो जाता है। जिनकी कुंडलियों में भी राहु केतु अच्छे होते हैं उनके शुक्र अच्छी पोजीशन पे ही बैठे होते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। शुक्र के महाबाप 5 उपाय जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे @विद्याकुंडली और आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर फेसबुक पे जरूर फॉलो कीजिएगा और हमारे 5 मिनट टिप्स एस्ट्रो वास्तु टिप्स पे भी हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।